हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 6, जिसका टाइटल है द नाइट ट्रेन एट डियोली। अर्थात डियोली एक स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है। वहाँ पर, उस स्टेशन पर रात को जाने वाली ट्रेन। ये एक स्टोरी जैसा ही है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वॉज एट कॉलेज, ये लेसन जो है इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, मतलब छोटी छोटी काफ़ी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने, निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, और ये एक इंडियन राइटर हैं। इन्होंने लिखा जो लेसन है वो अब स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वॉज एट कॉलेज आई रेगुलरली स्पेंड माई समर वैकेशन इन देहरा एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन मे एंड रिटर्न लेट इन जुलाई। डियोली वॉज ए स्मॉल स्टेशन अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरा। इट वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ द हैवी जंगल ऑफ द इंडियन तराई। जब मैं, राइटर कह रहे हैं, जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपनी समर वैकेशन, मतलब गर्मी की छुट्टियाँ देहरादून में, देहरा जो शॉर्ट फॉर्म है किसका, देहरादून का, मैं अपनी गर्मी की छुट्टियाँ देहरादून में बिताया करता था। और वहाँ कौन रहता था, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी, मैं वैकेशन में उनके पास चला जाया करता था। और मैं मई में प्लेन्स छोड़ देता था। प्लेन्स का मतलब जहाँ मेरा घर था वहाँ समतल है, और जो देहरादून है वो क्या है, एक हिल स्टेशन। तो गर्मी में हिल स्टेशंस पर वैसे भी रहने में बड़ा मज़ा आता है, काफ़ी ठंडक होती है, तो लोग वैसे भी गर्मियों में हिल स्टेशन पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। तो इसमें राइटर कह रहे हैं कि मैं मई में चला जाता था, प्लेन्स छोड़ देता था, माना जहाँ मेरा घर था वो जगह समतल थी तो मैं वो छोड़ देता था और जुलाई में वापस लौटता था। डियोली वॉज ए स्मॉल स्टेशन अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरा। डियोली एक छोटा सा स्टेशन है जो कि देहरादून से 50 किलोमीटर दूर है। और इट वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ द हैवी जंगल, और वो जो स्टेशन है वो मतलब सीमा पर स्थित है, उस देहरादून की और प्लेन्स जहाँ ख़त्म होते हैं उसके बॉर्डर पर, वहाँ हैवी जंगल मतलब बहुत घने जंगल हैं ऑफ द इंडियन तराई, इंडियन भारतीय जो तराई में हैवी जंगलों के पास ये स्टेशन है। आई डिसाइडेड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट डियोली एंड स्पेंड द डे देयर। एक दिन मैंने ऐसा निश्चय किया था कि मैं, क्योंकि वो डियोली स्टेशन हर बार बीच में आता ही था, तो मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं डियोली स्टेशन पर उतरूँगा और वहाँ पर भी मैं एक दिन बिताऊँगा। आई वॉज 18 विजिटिंग माई ग्रैंड मदर एंड नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट डियोली। मैं 18 वर्ष का था, सॉरी, विजिटिंग माई ग्रैंड मदर एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट दियोली। मैं 18 वर्ष का था जब मैं जा रहा था अपनी दादी के पास, और नाइट, रात को जाने वाली ट्रेन जो है वो डियोली पर रुकी। अ गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट्स। एक लड़की आई वहाँ और वो प्लेटफॉर्म पर बास्केट्स, मतलब बांस की बनी हुई छोटी छोटी बास्केट्स सेल कर रही थी, बेच रही थी। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड द गर्ल हैड अ शॉल अक्रॉस हर शोल्डर। वो एक ठंडी सुबह थी, मतलब रात को ट्रेन वहाँ से स्टार्ट होती थी और डियोली पे पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाती, तो ठंडी सुबह थी और गर्ल हैड अ शॉल, लड़की को कंधे पर शॉल रखी हुई थी। हर फीट वर बेयर, उसके पैर नंगे थे, एंड हर क्लोथ्स वर ओल्ड, और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी बहुत पुराने थे। शी वॉज़ अ यंग गर्ल, वो यंग थी, कम उम्र की लड़की थी। वॉकिंग ग्रेसफुली टुवर्ड्स मी, वो एक बहुत ही स्मूथ वे में चलती हुई, शांति से, आराम से चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी।
व्हेन शी केम टू माय विंडो शी स्टॉप्ड। जब वो मेरे कंपार्टमेंट में मेरी खिड़की के पास, जिस कंपार्टमेंट में मैं था उस खिड़की के पास पहुंची तो वो रुक गई। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली। उसने देखा कि मैं, उसको ऐसा लगा कि मैं पर्पजफुली, माना मैं जानबूझकर उसकी तरफ देख रहा हूँ। बट एट फर्स्ट शी प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस। लेकिन पहली बार तो उसने, प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना करना, पहली बार तो उसने इस तरह से बहाना किया कि उसने मुझे देखा ही नहीं। शी हैड अ पेल स्किन, शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आइज, एंड देन दोज आइज सर्चिंग एंड लाइवली मेट माइन। उसकी स्किन कैसी थी? पीली थी, मतलब एक बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना ब्लड, तो बहुत गरीब थी। ऐसे लोग जो हैं उनकी स्किन में मतलब एक पीलापन, बहुत अच्छा खाना ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को नहीं मिलता, तो उसमें वो रेडिशनेस नहीं होती। उसकी स्किन पीली थी, काले बाल थे, शाइनी लेकिन चमकदार थे, और उसकी आँखें भी ब्राइट और डार्क, काली आँखें थी। एंड देन दोज वर सर्चिंग, और वो आँखें ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ, और लाइवली माना उसकी आँखों में जान थी। मैट माइन, मैट माइन माना वो आँखें आकर मेरी आँखों से मिली। शी स्टूड बाय माई विंडो फॉर सम टाइम एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनी थिंग। वो आकर मेरी खिड़की के पास खड़ी हो गई और हम दोनों में से नाइदर का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में नाइदर और नॉर का उपयोग किया जाता है, ये कंजक्शन है और इससे वाक्यों को हम जोड़ते हैं। तो शी स्टूड बाय माय विंडो फॉर सम टाइम एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनी थिंग, इसका मतलब है हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। बट व्हेन शी मूव्ड ऑन आई डोंट नो व्हाई लेफ्ट माय सीट, लेकिन जब वो धीरे धीरे चलने लगी तब मुझे खुद को ही नहीं पता क्यों मैंने अपनी सीट छोड़ी, मतलब मैं अपनी सीट पर से उठा एंड रश्ड टू द कैरेज डोर, और मैं अपने कंपार्टमेंट के मतलब उस ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। शी नोटिस्ड मी एट द डोर, उसने मुझे दरवाजे पर आते हुए भी देखा। एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो खड़ी रही प्लेटफॉर्म पर वेट करती हुई। आई वॉक्ड अक्रॉस टू द टी स्टॉल, अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल फायर, द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल। मैं उस डिब्बे से, दरवाजे से, डिब्बे के दरवाजे से उतर कर और एक चाय की छोटी सी दुकान पर चला गया। वहाँ पे आग जल रही थी, उस पे एक चाय की केटली में चाय उबल रही थी, और उस लड़की ने मेरा उस टी स्टॉल तक पीछा किया, मतलब मेरे पीछे पीछे वो आई। डू यू वॉन्ट टू बाय अ बास्केट, शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ये बास्केट, मतलब केन की बनी हुई जो टोकरी है, क्या आप वो ख़रीदना चाहते हैं? दे आर वेरी स्ट्रांग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन, वो बहुत मजबूत भी हैं और अच्छे मतलब मजबूत बांस से बनी हुई हैं। नो आई सेड आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट, नहीं मैंने कहा कि मुझे बास्केट की ज़रूरत नहीं है। वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन शी सेड आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट अ बास्केट। हम दोनों एक दूसरे की तरफ लंबे समय तक देखते रहे, फिर उसके बाद उसने कहा कि आपको पूरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बास्केट नहीं चाहिए? तब राइटर जो है उन्होंने कहा गिव मी वन, ठीक है मुझे एक दे दो। आई सेड एंड आई टुक द वन ऑन द टॉप एंड गेव हर अ रुपी। मैंने उससे, उसके पास काफ़ी बास्केट थी, तो मैंने उसमें से ऊपर ऊपर जो एक बास्केट थी वो ले ली और उसके बदले में उसको एक रुपया दे दिया। आई विश्ड टू टच हर फिंगर्स बट कुड नॉट, मैं उसकी अंगुलियों को छूना चाहता था लेकिन छू नहीं सका। द गार्ड ब्लू हिज विसिल, शी सेड समथिंग। जो ट्रेन में लास्ट कोच में गार्ड होता है उसने सीटी बजा दी, उसने कुछ कहा, उस लड़की ने कुछ कहा, बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लैंगिंग ऑफ द बेल एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन।
लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो ट्रेन की सीटी में गुम हो गई, और ट्रेन इंजन जब चलता है तो ट्रेन के खिसकने की आवाज़ भी आती है, और उसके ट्रेन के खिसकने की आवाज़ और बैल बजने की आवाज़ में उसकी आवाज़ गुम हो गई, अर्थात मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, और ट्रेन खिसकने लगी तो मैं चढ़ नहीं पाया, मुझे अपने कंपार्टमेंट तक दौड़कर जाना पड़ा। आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसे देखता रहा जैसे जैसे प्लेटफॉर्म खिसक रहा था। प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर ही होता है, लेकिन ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म जा रहा था मैं उसे देखता रहा। शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डिड नॉट मूव, वो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेली थी और अपनी जगह से वो हटी भी नहीं। बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, लेकिन वो मेरी तरफ देख रही थी और मुस्करा रही थी। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे एंड देन द जंगल हिट द स्टेशन, मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि सिग्नल का बॉक्स नहीं आ गया। मतलब पूरा प्लेटफॉर्म जब ख़त्म हो जाता है तो एक सिग्नल का बॉक्स आता है, दिखाई देता है, तो वहाँ तक मैं उसे देखता रहा। और बाद में वो ट्रेन जंगल में एंटर हो गई और उस जंगल ने स्टेशन को छुपा दिया। आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, मैं दरवाजे पर खड़ा होके उसको दूर दूर से भी उसको मैं देख पा रहा था। आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, जब हमारे बीच में इस तरह का जो बिना बोले कुछ थोड़ी बहुत हमारी आंखों ही आंखों में जो बात हुई उसकी वजह से मैं सॉरी आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी, मतलब मैं बाकी की यात्रा में जागता रहा। मतलब मेरी ड्योली स्टेशन जाने के बाद जो बाकी की जर्नी थी उसमें मैं जागता रहा। आई कुड नॉट फॉरगेट द गर्ल्स फेस एंड द डार्क ब्राइट आइज, मैं उस लड़की का चेहरा और उसकी काली चमकदार आंखें भूल नहीं पा रहा था। मतलब उसकी लड़की का चेहरा मेरे सामने आ रहा था आगे। बट व्हेन आई रीच देहरा द इंसिडेंट गॉट ब्लर्ड एंड डिस्टेंट फॉर देयर वर अदर थिंग्स ऑन माई माइंड, लेकिन जैसे ही मैं देहरादून पहुंचा तो ये जो घटना थी वो ब्लर हो गई। ब्लर माना धुंधली, मेरे माइंड में धुंधली पड़ गई और ऐसा लग रहा है दूर चली गई। क्यों? क्योंकि देहरादून जाने के बाद वहाँ पे मेरे को और दूसरी बातें दिमाग में आ गईं। इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी 2 मंथ्स लेटर, ये तब हुआ जब मैं 2 महीने के बाद वापस लौटने की अपने गांव लौटने की यात्रा जब कर रहा था तब वापस मुझे वो लड़की की याद आई। दैट आई रिमेम्बर्ड द गर्ल। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर एज द ट्रेन ड्रू इन टू द स्टेशन एंड आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर, मैं जैसे ही वापस लौट रहा था तो ट्रेन में आया तो तब मैं उस लड़की को ट्रेन में से मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी। एंड आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, और एक अजीब सा जो अपना एहसास होता है वैसा एहसास मुझे हो रहा था। आई सॉ हर वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म, फिर से मैंने उसको प्लेटफॉर्म पर वॉक करते हुए देखा। आई रैन टू द डोर एंड वेव्ड एट हर, मैं दौड़कर दरवाजे पर चला गया और उसको हाथ हिलाया। व्हेन शी सॉ मी शी स्माइल्ड, शी वॉज प्लीज्ड दैट आई रिमेम्बर्ड हर, आई वॉज प्लीज्ड दैट शी रिमेम्बर्ड मी, जब उसने मुझे देखा तो वो मुस्कराई और उसको भी उतनी ही खुशी हुई जितनी मुझे हुई कि हम दोनों को ही एक दूसरे की याद थी। मतलब उसने मुझे पहचान लिया, मैंने उसे पहचान लिया और दोनों ही उतने खुश हुए। शी डिड नॉट स्टार्ट सेलिंग बास्केट, उसने टोकरियां ट्रेन पर नहीं बेची बट केम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल, और वो सीधी ही टी स्टॉल पर चाय की दुकान पर सीधी ही आ गई। हर डार्क आइज वर सडनली फिल्ड विथ लाइट, उसकी डार्क आइज जो थी
वो अचानक से वो प्रकाश से भर गई। शी वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम बट वी स्पोक विदाउट वर्ड्स। हमने दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, बट वी स्पोक विदाउट वर्ड्स, लेकिन हम दोनों ही बिना शब्दों के हमने बात कर ली। बिना शब्दों के मना, बिना बोले हमने आँखों ही आँखों में कुछ बात कर ली। आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन। मेरे को उस समय अचानक ही एक ऐसी अंदर से अर्ज मना, एक कुछ करने की मन में चाह हुई। क्या चाहती कि मैं उठाकर उस लड़की को तब का तब, देयर एंड देन मना उसी समय ही उसको ट्रेन में बिठा लूं, एंड टेक हर अवे विथ मी, और उसको अपने साथ ले जाऊं। आई कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ वॉचिंग हर वैनिश इन टू द डार्कनेस ऑफ ड्योली स्टेशन। मैं इस विचार को भी सहन नहीं कर पा रहा था कि कुछ ही देर में ये ट्रेन जब चलेगी तो ड्योली स्टेशन के अंधेरे में वो लड़की गुम हो जाएगी। गुम हो जाएगी मतलब मुझे दिखाई नहीं देगी। ये विचार आने के बाद मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं अभी का अभी इस लड़की को उठाकर ट्रेन में बिठा दूं और अपने साथ ले जाऊं। आई टुक द बास्केट फ्रॉम हर हैंड एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड। मैंने उसके हाथ से बास्केट्स ले ली और उनको ज़मीन पर रख दिया। शी पुट आउट हर हैंड टू टेक अ बास्केट। उसने फिर से वो हाथ नीचे झुकाया बास्केट उठाने के लिए, बट आई कॉट हर हैंड एंड हेल्ड इट। लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़े रहा। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड। मैंने कहा उसे कि मुझे दिल्ली जाना है। शी नॉडेड, उसने गर्दन हिलाई, मना किया और क्या बोला, आई डू नॉट हैव टू गो एनी वेयर, मुझे कहीं नहीं जाना, मतलब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। द गार्ड ब्लू द विसिल एंड आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट। फिर से ऐसा हुआ कि छोटी सी स्टेशन पर 2 मिनट का ही स्टॉपेज होता है ट्रेन का, तो ड्योली भी बहुत छोटी सी स्टेशन थी और उस गार्ड ने फिर से सीटी बजाई और मुझे अब उस गार्ड से नफरत होने लगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब उसका मन ऐसा था कि गार्ड सीटी बजाए नहीं और ट्रेन यहीं का यहीं खड़ी रहे और मैं इस लड़की को देखता रहूं। फिर आई विल कम अगेन, आई सेड, विल यू बी हियर। मैंने उसको ये पूछा कि मैं बताया कि मैं फिर से आऊँगा और उससे ये भी विश्वास दिलाया और पूछा कि विल यू बी हियर, क्या तुम भी यहीं रहोगी। शी नॉडेड, उसने गर्दन हिलाकर हाँ बोला। आई डू नॉट हैव टू गो एनी वेयर, मुझे यहाँ से यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जाना। शी नॉडेड अगेन, द बेल क्लैंग्ड एंड द ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड। फिर से ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे खिसकने लगी। आई हैड टू पुल माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन। मुझे अपना हाथ उस लड़की से खींचना पड़ा, छुड़वाना पड़ा और मैं दौड़ कर उस चलती हुई ट्रेन में चढ़ा। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, इस बार मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। शी वॉज विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, और इस बार पूरी यात्रा में वो मेरे साथ रही। पूरी यात्रा में मेरे साथ रही माना उसकी यादें, उसकी इमेज, उसका सब कुछ, उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे मतलब घूम रहा था। एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर, केवल जर्नी में नहीं उसके बाद भी लंबे समय तक वो लड़की मुझे याद थी। ऑल दैट ईयर शी वॉज अ ब्राइट लिविंग थिंग। वो पूरा साल मेरे लिए एक ऐसा लग रहा था जैसे मतलब साक्षात मेरे सामने हो। इतनी उसकी इमेज, उसकी जो हर चीज़ मुझे जो माइंड में थी, ऐसा लग रहा था साक्षात वो मेरे साथ ही हो। एंड व्हेन द कॉलेज टर्म एंडेड आई पैक्ड इन द हेस्ट एंड लेफ्ट फॉर देहरा अर्लियर देन यूजुअल। और जब फिर से कॉलेज का टर्म ख़त्म हुआ, मैंने जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया और मैंने देहरादून जाने के लिए अपने वो प्लेन्स छोड़ दिए, मैंने अपना घर छोड़ दिया अर्लियर देन यूजुअल। माना जब मैं जाता था इस बार मैं उससे भी जल्दी देहरादून जाने के लिए तैयार हो गया।
आई वॉज नर्वस एंड एंक्शियस एज द ट्रेन एंटर्ड ड्यूली। मैं बहुत निराश भी था, एक तरह से नर्वस भी था और चिंतित भी था, एंक्शियस चिंतित भी था, उत्सुकता भी मेरे मन में थी, मतलब अलग अलग तरह के फीलिंग्स आ रहे थे जैसे ही ट्रेन ने ड्यूली में एंटर किया। आई वॉज वंडरिंग दैट आई शुड वॉट आई शुड से टू द गर्ल। मुझे बड़ा अद्भुत सा फील हो रहा था कि वॉट शुड आई से टू द गर्ल एंड वॉट आई शुड डू। मुझे उस लड़की मुझे मिलेगी तो मुझे उसे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचकर मेरे माइंड में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुड नॉट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर। जब मन ही मन में एक जैसा फीलिंग्स आते हैं और कई बार हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, तो ऐसी असमंजस की स्थिति में फिर हम अपने मन को मजबूत बनाते हैं और लगता है नहीं नहीं हम ऐसा कर ही लेंगे। तो इसी तरह से लेखक ने भी क्या किया, दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं उस लड़की के सामने हेल्पलेसली मना निस्सहाय होकर ऐसे खड़ा नहीं रहूँगा, इस बार तो मैं ज़रूर उसको कुछ या तो बोलूँगा या करूँगा। द ट्रेन केम टू ड्यूली, ट्रेन ड्यूली पहुँची एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ देखता रहा, बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। आई ओपन द डोर एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड। मैंने दरवाज़ा भी खोला कंपार्टमेंट का, मैं उस वो जो दो सीढ़ियाँ जैसी होती हैं उससे उतर के मैं नीचे भी आ गया। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया। क्यों? क्योंकि वो लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग। उस समय मैंने ऐसा महसूस किया कि मुझे कुछ करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। एंड सो आई रेन टू द स्टेशन मास्टर एंड सेड, इसलिए मैं दौड़कर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, डू यू नो द गर्ल हु यूज टू सेल बास्केट्स हियर। स्टेशन मास्टर से मैंने सवाल किया कि क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बास्केट्स बेचा करती थी। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, नो आई डोंट, नहीं मैं उसको नहीं जानता, सेड द स्टेशन मास्टर। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। फिर से ट्रेन दो मिनट रुक कर वहाँ से चलने लगी एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जम्प फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। फिर से इधर उधर घूम कर जब मैंने देखा नहीं मिली, तो मुझे ट्रेन भी चलने लगी, तो मुझे दौड़कर अपने कंपार्टमेंट में, मतलब मैंने दौड़कर वो अपना कोच पकड़ा और मैं ट्रेन में चढ़ गया। एज ड्यूली प्लेटफॉर्म वैनिश्ड, जैसे ही ड्यूली प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, दैट वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर, कि मैं एक दिन यहाँ पे ब्रेक जर्नी का मतलब बीच में एक दिन मैं ड्यूली स्टेशन पे रुकूंगा, मतलब मैं यहाँ उतरूंगा, एक दिन रुकूंगा और वापस दूसरे दिन जब ये ट्रेन आएगी तो इसी में मैं वापस चढ़कर जाऊंगा और उस लड़की का पता लगाऊंगा। आई वुड स्पेंड अ डे इन द टाउन, मेक एनक्वायरीज एंड फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई हार्ट विथ नथिंग बट अ लुक फॉर हर डार्क इम्पेशेंट आइज। मैं इस टाउन में, इस छोटा सा कस्बे में एक दिन रुकूंगा, पूछताछ करूंगा और उस लड़की का पता लगाऊंगा जिसने मेरा दिल चुरा लिया था, विथ नथिंग, बिना किसी चीज के, बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज, केवल उसकी काली और अधीर आंखों ने, जिसमें धीरज नहीं था, उन आंखों ने मेरा दिल चुरा लिया था, ऐसी लड़की का, उस लड़की का मैं पता लगाऊंगा। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव पास्ड थ्रू ड्यूली मैनी टाइम्स। पिछले कुछ सालों में मैं ड्यूली स्टेशन से कई बार, मैनी टाइम्स माना कई बार मैं वहाँ से गुजरा हूँ, निकला हूँ। आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द विंडो टू सी द सेम अनचेंज फेस स्माइलिंग टू मी। मैं हमेशा उस चेहरे को ढूंढा करता हूँ, उस खिड़की में से बैठकर
वही चेहरा सेम अनचेंज्ड, अनचेंज्ड माना जिसमें कोई बदलाव नहीं आया हो, और वो मेरे साथ मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो, उस चेहरे को मैं हमेशा ढूंढा करता हूँ। बट आई स्टिल नेवर ब्रेक जर्नी देयर, सॉरी बट आई विल नेवर ब्रेक जर्नी देयर, लेकिन मैं वहाँ कभी ब्रेक जर्नी नहीं करूँगा। आई प्रिफर टू कीप होपिंग, मैं वो ज़्यादा पसंद करता हूँ कि होप मेरे मन में अभी भी क्या है, उम्मीद है, और मैं सपना भी देख रहा हूँ कि एक दिन वो लड़की ज़रूर मुझसे उसी स्थिति में जैसे पहले मिली थी दो बार, वैसे ही आकर ज़रूर मिलेगी। एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो फॉर द गर्ल विद द बास्केट वेटिंग फॉर मी, और मैं उसका भी सपना देख रहा हूँ कि वो लड़की स्टेशन पर खड़ी होकर मेरे लिए हाथ में बास्केट पकड़े हुए मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट डियोली, बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन। मैंने कभी भी वहाँ पर ब्रेक जर्नी नहीं की, लेकिन मैं जितनी बार हो सका वहाँ से गुज़रा, लेकिन अभी तक वो लड़की मुझे मिली नहीं। ये एक शॉर्ट स्टोरी जैसा है कि लेखक ने अपने मन की बात बताई है, तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। और नेक्स्ट पेज पे आपके एडिशनल ग्लॉजरी दे रखी है, और वो ग्लॉजरी जो है वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम इस लेसन की वर्कबुक एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, और तब तक के लिए थैंक्स।